नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टेक्निकल मुकाबला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से इंडियन बैंक की नेट बैंकिंग अपने मोबाइल फोन की सहायता से ऑनलाइन एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों आपका बैंक अकाउंट चाहे किसी भी बैंक में हो, अगर आपके पास उसकी नेट बैंकिंग नहीं है तो अकाउंट बिल्कुल जीरो है। क्योंकि दोस्तों आप नेट बैंकिंग से जो काम कर सकते हो, अगर वही काम आप किसी साइबर कैफे या इंटरनेट वाली दुकान पे जाके कराते हो तो उसके लिए आपको अलग से एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ते हैं। जैसे कि आप किसी दुकान से मनी ट्रांसफ़र कराते हो तो आपको उसके लिए पर 1000 के 1% के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और अगर आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो और उसकी जब आप पेमेंट करते हो तो अगर आप वो उस शॉप से ही कराओगे तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। पर अगर आप वही सारे काम नेट बैंकिंग से करोगे तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और बताते हैं आपको कि आप किस तरीके से ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से इंडियन बैंक की नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि अब आप लोग देख सकते हो, हम लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। दोस्तों इंडियन बैंक की नेट बैंकिंग आप लोगों को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और वहां टाइप करना है इंडियन बैंक। जी हाँ दोस्तों, इंडियन बैंक नेट बैंकिंग। और उसके बाद आप लोगों को सिंपली सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत से लिंक ओपन होके आ जाएंगे। तो आप लोगों को सिंपली सबसे पहले फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आप डायरेक्टली इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को इस वेबसाइट को फाउंड करने में या ढूंढने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोगों को सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इंडियन बैंक की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। तो चलिए दोस्तों मैं अब अपनी मोबाइल स्क्रीन को रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको अब एक बैटरी भी देखने को मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि अब आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने अपनी मोबाइल स्क्रीन को रोटेट कर लिया है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां ऊपर की तरफ इंडियन बैंक लिखा होगा और यहां फोन बैंकिंग कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप लोगों को यहां एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉग इन फॉर नेट बैंकिंग, आप लोगों को यहाँ क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉग इन पेज खुल जाएगा। तो आप लोगों को जूम इन करना है और यहाँ एक आपके सामने एक ऑप्शन आएगा न्यू यूजर का, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। आप देखिए नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन और न्यू यूजर का, तो आप लोगों को न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां फर्स्ट यूजर डिटेल, सेकंड ओटीपी, फैसिलिटी टाइप, लॉगिन पासवर्ड, सीक्रेट क्वेश्चन, एक्टिवेशन टाइप, टर्म्स एंड कंडीशन और एटीएम कार्ड डिटेल। तो यहाँ टोटल 8 स्टेप्स हैं। तो आप लोगों को पहले सीआईएफ नंबर या अकाउंट नंबर फिल करना है। अगर आपने हमारी वीडियो को देख के अकाउंट ओपन किया है तो आप लोगों को यहाँ अकाउंट नंबर तो तुरंत वहां अवेलेबल करा दिया जाता है। तो आपको यहाँ अकाउंट नंबर फिल करना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके बाद कैप्चा और उसके बाद सबमिट कर देना है आपको। और अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप किस तरीके से इंडियन बैंक की एक ऑनलाइन जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। आई बटन में भी आप लोगों को उस वीडियो का लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ अपना अकाउंट नंबर या सीआईएफ नंबर फिल करते हैं और मोबाइल नंबर फिल करते हैं, आपको उस पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहां फिल करना है। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप फैसिलिटी स्टेप, सेकंड स्टेप में तो आपको ओटीपी फिल करना है, थर्ड स्टेप में फैसिलिटी टाइप कि आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग दोनों चाहिए तो आप लोगों को वहां क्लिक करना है। लॉग इन पासवर्ड, आप लोगों को अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। सीक्रेट क्वेश्चन, आप लोगों को अपना मनचाहा कोई भी एक सीक्रेट क्वेश्चन चूज करना है। जब भी आप नेट बैंकिंग को फॉरगेट पासवर्ड या कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को वहां वो पूछा जा सकता है। उसके बाद एक्टिवेशन टाइप कि आप किस तरीके से एक्टिवेट करना चाहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ के एग्री करना है। उसके बाद एटीएम कार्ड डिटेल, आप लोगों को कुछ अपना एटीएम नंबर और सीवीवी पिन डालना है। उसके बाद आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा और जैसे ही आप ये सारी चीजें यहाँ फिल करते हो तो आप डायरेक्टली अपने इंडियन बैंक की नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर पाएंगे और विद इन 5 मिनट्स आप लॉग इन भी कर पाएंगे। उसकी मदद से आप पैसे भेज सकते हैं कहीं भी और मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएल रिचार्ज और बहुत कुछ। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन की सहायता से इंडियन बैंक की नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन के जरिए आप लोगों को बताया कि आप किस तरीके से ऑनलाइन इंडियन बैंक की नेट बैंकिंग अपने मोबाइल फोन की सहायता से एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको किसी भी
चार्ज को पे करने की जरूरत नहीं है और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपना अकाउंट नंबर या फिर अपना CIF नंबर फिल करना है और उसके बाद आप डायरेक्टली विद इन 5 मिनट्स अपनी नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर पाएंगे और आप अपना मनचाहा कोई भी यूजर नेम चूज कर सकते हैं और कोई भी पासवर्ड। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों प्लीज़ हमेशा वीडियो को पूरा देखा करें। धन्यवाद दोस्तों।